करिश्मा कपूर बॉलीवुड की टॉप एक्टरों में से एक रही हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करिश्मा कपूर खाली 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं। उन्होंने एक्टिंग के चक्कर में अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। वो शुरू से ही माधुरी और श्रीदेवी की तरह बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग करियर को चुना। करिश्मा कपूर ने पूरी 60 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड को काफी हिट फिल्में भी दी हैं। उन्होंने पहली फिल्म की शुरुआत प्रेम कैदी से की थी। करिश्मा कपूर ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। किसी ने ये तक कहा था कि लड़के जैसे चेहरे वाली लड़की क्या एक्ट्रेस बनेगी। करिश्मा कपूर ने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी दूसरी फिल्म की, जिसका नाम था पुलिस ऑफिसर। उसमें जैकी श्रॉफ एक्टर थे उनके साथ। इस फिल्म को देखने के बाद करिश्मा कपूर के चाचा यानी ऋषि कपूर ने कहा कि जैकी तो करिश्मा कपूर के अंकल लग रहे हैं। फिर करिश्मा कपूर ने गोविंदा के साथ काफी सारी फिल्में की जो की हिट रही, और गोविंदा की करिश्मा कपूर की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। करिश्मा कपूर ने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है, जैसे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ भी शामिल हैं। फिर करिश्मा कपूर ने आमिर खान के साथ फिल्म की जिसका नाम था राजा हिंदुस्तानी। करिश्मा कपूर को राजा हिंदुस्तानी से नई पहचान मिली और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिर करिश्मा कपूर ने 2003 में संजय कपूर से शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उन्होंने 2016 में तलाक ले लिया। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने एक दूसरे के ऊपर संगीन आरोप भी लगाए थे, जिसकी वजह से उनकी तलाक तक की नौबत आ गई थी। करिश्मा कपूर अब अपने बच्चों के साथ रहती हैं और उनके अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव भी रहती हैं। आपको इनकी लाइफ कैसी लगती है कमेंट करके बताइए।